आज मैंने बनाया है लिट्टी। इसे मैंने दो तरह से बनाया है, एक बिना फ्राई किए, इसे अप्पा मेकर में बनाया है, और इसे बॉईल करके और मैंने फिर फ्राई किया है। तो आइए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट। इसे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने हरी चटनी और बैंगन के चोखे के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो बनाएंगे। ये डो बनकर तैयार है, इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। ये 1.5 कप चने का सत्तू है, मैंने इस तरह का भुना चना लेकर घर में ही मैंने पीस लिया है। आप बाजार में रेडीमेड सत्तू मिलता है, उसे ले सकते हैं। अब इसमें ये 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 4 चम्मच हरी धनिया कटी हुई, इसको मिला देंगे, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच तेल और ये 1 चम्मच आम के अचार का मसाला है, आप इसकी जगह अमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मसाला थोड़ा सूखा लग रहा है, इसमें हम 2-3 चम्मच पानी मिला देते हैं जिससे मसाला थोड़ा गीला हो जाएगा। ये मसाला बनकर तैयार है। अभी आटे की छोटी छोटी लोई ले लेंगे, अब इसमें ये 1 चम्मच मसाला भर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम सारी लोई में स्टफिंग कर देंगे। ये मैंने सारी लोई में स्टफिंग कर दिया है। ये 2 कप आटे में 17-18 पीस बना है। अब आधे को मैं फ्राई करके बनाऊंगी और आधे को बिना फ्राई किए। पहले हम अप्पा मेकर में बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। इसमें लिट्टी को रख देते हैं।
अब इसे ढककर 10-15 मिनट पकने देंगे और बीच में इसे चेक कर लेंगे। अब ये एक साइड से पक गया है, अब दूसरी साइड से हम पलट देते हैं। अब इसे ढककर दूसरी साइड भी पकने देंगे। ये एक साइड ये बन रहा है और दूसरी साइड मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम बाकी लिट्टी को डाल देते हैं। ये देखिए तैर कर ऊपर आ गया है। अब ये दूसरी साइड से भी पलट देते हैं। अब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये वाली लिट्टी भी पक चुकी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसका पानी देखिए एकदम सूख गया है। इसको पानी को सुखा के ही हमें फ्राई करना है, नहीं तो तेल में जाने के बाद ये छिटकने लगेगा। तेल भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम दूसरी साइड पलट देते हैं। ये बॉईल किया हुआ लिट्टी बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अभी दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे। ये लिट्टी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे।